Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pavitra, 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 pavitra. सेनाओं का यहोवा पवित्र परमेश्वर धन्यवाद और महिमा और आदर के साथ राजा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम आपके पास आते हैं, आपके चरणों में आते हैं, आपके करीब आते हैं। खुदा सुबह से लेकर अभी तक आपने संभाला, रक्षा किया, जीवित रखा, बलचंगा रखा, स्वस्थ रखा, इस बात के लिए परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके नाम की महिमा और आपके नाम की स्तुति करते हैं खुदा, क्योंकि पिता परमेश्वर हर खतरों और हर मुसीबतों से, हर एक्सीडेंट और इंसिडेंट से बचाया प्रभु, हर घटनाओं से बचाया परमेश्वर पिता, तकलीफों से तूने छुड़ाया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन में एक नई समय जोड़ दिया, नया संध्या कालीन तूने जोड़ दिया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर आपने हमें जीवित रखा, स्वस्थ रखा और परमेश्वर पिता संध्या कालीन में आपके चरणों में बैठने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर दिया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर इस अवसर को कई लोग खो दिए हैं, कई लोग इस समय को नहीं देख पाए, अपने आप को खत्म कर दिया, कई लोगों की हत्या हो गई। लेकिन पिता परमेश्वर आज हम सभी जितने भी आपके चरणों में बैठे हैं स्वस्थ हैं, भले चंगे हैं और प्रभु आपकी महिमा कर पा रहे हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। क्योंकि पिता परमेश्वर आपकी महाकरुणा का फल है कि आज हम नष्ट नहीं हुए, हम मिट नहीं गए, प्रेज द लॉर्ड, हम खत्म नहीं हुए। खुदा पिता परमेश्वर आपकी दया अमर है, आपकी करुणा सदा की है मेरे खुदा, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो आइए हम सब मिलकर पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें। आप जितने भी जिस स्थान से प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु को धन्यवाद करें, प्रभु की महिमा करें, क्योंकि वही योग्य है, वो महिमा के योग्य है, वो आदर के योग्य है, वो स्तुति और प्रशंसा के योग्य है मेरे प्रियो, क्योंकि वो हमें आशीषित करता है, क्योंकि वो हमारी रक्षा करता है, वो हमारा ताकत है, वो हमारी सामर्थ है, प्रेज द लॉर्ड, वो हमारा बल है, वो हमारा छुपने का स्थान है। उस खुदा का धन्यवाद करें, उस पिता का धन्यवाद करें, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। रबा शंदा रबा नला रबा रिखा नला राथी नला रबा नला रबा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें, उस खुदा का धन्यवाद करें जिस खुदा ने हमारी जरूरतों को पूरा किया, उस खुदा का धन्यवाद करें जिस खुदा ने मुझे और आपको पापों से छुड़ाया, उस खुदा का धन्यवाद करें जिस खुदा ने मुझ पर आप पर अनुग्रह किया और हमारे सिर पर करुणा का मुकुट बांधा है, प्रेज द लॉर्ड। उसने हमें उत्तम चीजों से तृप्त किया है मेरे प्रियो, उस खुदा का धन्यवाद करें मेरे प्रियो। परमेश्वर के वचन में सांप लिखा है, तो संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तेरी सुनकर मैं तुझे उत्तर दूंगा, प्रेज द लॉर्ड। संकट में मैं तेरी सुनूंगा, संकट में मैं तेरे संग रहूंगा, परमेश्वर यहोवा कहते हैं। मेरे प्रियो संकट के समय में, मुसीबत के समय में हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार वाले हमारे साथ ही छोड़कर चले जाते हैं। जब हम आनंदित रहते हैं तब वो हमारे साथ रहते हैं, लेकिन जब संकट आता है, मुसीबत आती है, कई प्रकार के खतरे आते हैं, तब हमारा परिवार, हमारे रिश्तेदार, हमारा समाज सब छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन पिता कहते हैं संकट के समय में मैं तेरे साथ रहूंगा और मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनकर तुझे उत्तर दूंगा, मैं तुझे छुड़ा लूंगा, मैं तुझे ऊंचे स्थान पर रखूंगा, मैं तेरी सहायता और मदद करूंगा, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो हो सकता है आपके चारों ओर परिस्थितियां होंगी, संकट होंगे, हो सकता है कई लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया होगा, कई लोग आपको छोड़कर चले गए होंगे आपको अकेला रहने के लिए, लेकिन मेरा खुदा तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, मेरा खुदा आपको संकट से बाहर निकालने की सामर्थ्य रखता है, मेरा खुदा आपके संकटों को खत्म करने की सामर्थ्य रखता है, मेरा खुदा आपकी मुसीबतों को दूर करने की सामर्थ्य रखता है मेरे प्रियो। इसलिए उसके ऊपर विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए, वो आपको हाथ पकड़कर उठाएगा, प्रेज द लॉर्ड, आपको पड़ने नहीं देगा, आपको गिरने नहीं देगा, विपत्तियां आपके ऊपर धावा नहीं कर सकती, क्योंकि
खुदा आपके साथ है, पिता आपके साथ है। उन सारे संकटों को वो खत्म करेगा मेरे प्रियो। संकट में आप उसे पुकारिए, आपकी पुकार मेरे खुदा तक पहुंचनी चाहिए। आपकी पुकार के अंदर वो ताकत होना चाहिए कि परमेश्वर पिता स्वर्ग से झुककर आपकी ओर देखे। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, क्योंकि वचन में साफ लिखा है परमेश्वर पिता स्वर्ग से झुककर हमारी ओर देखता है, हमारी ओर कान लगाता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड रबा शंदा रबा नला रबा। मेरे प्रियो, आप जितने भी तकलीफ में हैं, मुसीबत में हैं, प्रभु यहोवा के ऊपर भरोसा रखिए, प्रभु यहोवा के ऊपर विश्वास कीजिए। प्रभु यहोवा संकट के समय में आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर आपको संकट से बाहर निकालेगा, आपकी सुनेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड रबा शंदा रबा रिखा नाला रथी नाला रबा रबा शंदा रदा नाला रबा रिबा नाला रदा रबा शिखे ने ले रे 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 बे देने ले रे बे। परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, संध्याकालीन के लिए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, अपने बिस्तर में जाने से पहले खुदा के ऊपर विश्वास कीजिए और अपने आप को, अपने जीवन को, अपने परिवार को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। यीशु मसीह आपको संकटों से बाहर निकालेगा, मुश्किलों से बाहर निकालेगा, आपके चारों ओर की परिस्थितियों को वो बदल के रख देगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, जितने भी इस समय में हमारे साथ जुड़े हैं, प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु यीशु के नाम में, उन्हें पवित्र आत्मा से भर दे, आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दे, आपके अभिषेक से भर दे यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से। तो उन्हें पवित्र कर दे, पवित्र कर दे, अभिषेक से भर दे, आपकी सामर्थ से भर दे परमेश्वर पिता यीशु के नाम से। जिन स्थानों से प्रार्थना हो रही प्रभु, उन स्थानों को पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु, आपके महिमा के ज्ञान से भर दे प्रभु, आपके महिमा के बादल से भर दे प्रभु यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। रबा शंदा रबा रिखा नला रथी नला रबा रबा दा नला रा रबा यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से। हम तेरे ही हाथों में सौंपना चाहते हैं खुदा। पिता परमेश्वर, आज उन प्रियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो आज संकट में है, मुसीबत में है। पिता परमेश्वर, उनके चारों ओर पिता परमेश्वर संकट है, कई प्रकार की मुसीबतें हैं, गरीबी है, बीमारी है, कर्ज है। प्रभु यीशु के नाम से उन्हें छुड़ा ले। संकट के समय में तू उनके संग रहेगा खुदा, संकट में तू उनकी पुकार को सुन लेगा खुदा। यीशु के नाम से उनके संकट खत्म होने पाए, उन्हें संकट से बाहर निकाल खुदा। प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से। रबा शंदा रबा रिखा नला रथी नला रबा। प्रभु तू दया कर, रहम कर मेरे प्रिय। प्रभु पर विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए, आपके जीवन में से सब प्रकार की बीमारी खत्म करेगा, आपके जीवन में से सब प्रकार की परेशानियों को खत्म करेगा, आपके जीवन में से सब प्रकार की मुसीबतों को खत्म करेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड रबा शंदा रबा नला रबा। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, जितने भी आज बीमारी के हालत में हैं, कई लोग हॉस्पिटल में हैं, कई लोग पिता परमेश्वर बेड पर पड़े हैं, कई लोग कोमा में हैं, आईसीयू में हैं, ऑपरेशन थिएटर में हैं। प्रभु यीशु के नाम में चंगाई दे प्रभु, उन्हें उठाकर खड़ा कीजिए, उठाकर खड़ा कीजिए, उन्हें अभिषेक से भर दीजिए, अपनी सामर्थ से भर दीजिए खुदा। और विशेष करके पिता परमेश्वर, उन्हें चलने की ताकत दे प्रभु, उनके टखनों में, उनके घुटनों में बल आ जाए प्रभु। कई लोग कैंसर से पीड़ित थे, एचआईवी से पीड़ित थे, बवासीर से पीड़ित थे, शुगर से पीड़ित थे पिता परमेश्वर, नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित थे प्रभु। तूने उठाकर खड़ा कीजिए, छंगाई दीजिए, अभिषेक से भर दीजिए और सब प्रकार की बीमारी उनके जीवन से चली जाए, सब प्रकार की तकलीफें उनके जीवन से खत्म हो जाए। प्रभु आप रहम करें, आप दया करें, उन्हें उठाकर खड़ा कीजिए खुदा। धन्यवाद पिता, धन्यवाद स्वामी, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। पिता परमेश्वर, उन्हें छू लीजिए खुदा। पिता परमेश्वर, अनाथ और विधवाओं के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, तेरे बेटा बेटियों को छू ले परमेश्वर, उनके जीवन में से सब प्रकार के संकट खत्म हो जाए पिता परमेश्वर। संकट के समय में वो पिता परमेश्वर तुझ पर भरोसा रखने वाले बने, संकट के समय में तू उनकी सुन लेगा खुदा। पिता परमेश्वर, उनकी सुधी ले, उनका न्याय चुका प्रभु,
उनके अकेलेपन को, उनकी सारी चिंताओं को, बेसहारों का सहारा आप ही खुदा, और उनके साथ आप रहोगे खुदा, उनकी सारी बेचैनियों को खत्म करोगे, उनकी सारी निराश और उदास को दूर करोगे खुदा। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। जितने भी आज बेरोजगार हैं, हर एक जवानों को, हर एक लोगों को तेरे हाथों में सौंप देता हूं जिनके पास कोई जॉब नहीं है खुदा। प्रभु यीशु के नाम से आप उन पर दया करें, आप उन पर रहम करें खुदा, और सब प्रकार की बेरोजगारी खत्म हो जाए। जो भी कर्ज से दबा हुआ है वो कर्ज से बाहर निकल जाए यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर से कई प्रिय भाई बहन जो कर्ज के वजह से डिप्रेशन में हैं, उन्हें डिप्रेशन से बाहर निकाल प्रभु यीशु के नाम से। सब प्रकार के कर्ज खत्म होने पाए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। जितने भी लोग पिता परमेश्वर जॉब के लिए, बिजनेस के लिए अपनी कल्पनाएं कर रहे हैं प्रभु, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं प्रभु, उनकी कल्पनाओं को सिद्ध कीजिए, उन्हें पढ़ने लिखने के लिए ज्ञान बुद्धि समझ ताकत दे प्रभु यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। यीशु के नाम से उनकी सारी चिंताएं खत्म हो जाए। पढ़ने वालों को तू अभिषेक से भर दे, ज्ञान और बुद्धि तू दे परमेश्वर, पवित्र आत्मा दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद खुदा आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। आदर इज्जत चलाल हम आप ही को सौंपते परमेश्वर। जितने भी बिजनेस करते प्रभु उनका बिजनेस विस्तार में बढ़ने पाए प्रभु यीशु के नाम से। जितने भी लोन लेना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, उनकी तो सहायता और मदद कीजिए प्रभु। धन्यवाद खुदा आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। उन परिवारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है पिता परमेश्वर। ऐसे कई परिवार है जो अंधकार की शक्तियों में है, शैतान की योजनाओं में है, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है प्रभु यीशु के नाम से। उन्हें तू छुड़ा ले प्रभु, उन्हें तू बचा ले प्रभु, उनके जीवन के द्वारा अपनी महिमा को लीजिए खुदा प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से। खामा बाबा रीबा दाना लरा रबा यीशु के नाम से परिवारों को टूटने और बिखरने से बचा ले। धन्यवाद पिता आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। पूरा आदर और इज्जत चलाल हम आप ही को देते, सब बातें आपके हाथ में सौंपते प्रभु। आपकी महिमा प्रभु, आपकी महिमा हो प्रभु, आपकी महिमा हो प्रभु, आपके नाम की स्तुति हो खुदा। पिता परमेश्वर उन पति पत्नियों के भी जीवन को बदल दे जो अलग अलग है प्रभु, एक साथ रहने पाए प्रभु, एक साथ रहने पाए प्रभु, उनके बीच में से सब प्रकार के बुराई, लड़ाई, झगड़े सब खत्म होने पाए, और परमेश्वर पिता पति पत्नी एक संग मिलकर प्रभु आपकी महिमा, आपकी आराधना करने पाए। धन्यवाद पिता आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। उन पति पत्नियों के लिए भी प्रार्थना कर तो जिनके पास कोई औलाद नहीं है प्रभु यीशु के नाम से, तू दया कर प्रभु, उनके गुप्त रोग खत्म हो जाए, तो छंगाई दे, छुटकारा दे, अभिषेक से भर दे, अपनी सामर्थ से भर दे, और उनके जीवन में से, उनके शरीर में से सब प्रकार का गुप्त रोग खत्म हो जाए। उनके कोक को खोल दे, उन बहनों की कोख को खोल दे प्रभु, ताकि उनके वंश उत्पन्न होने पाए प्रभु। तू दया कर, उनके बांझपन को खत्म कर, उनके संकटों को खत्म कर दे प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद खुदा आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। पूरा आदर इज्जत जलाल हम आप ही को देते खुदा। जितने भी कोर्ट कचहरी में फंसे प्रभु ने छुड़ा ले, बचा ले, उनकी तू सहायता और मदद कर परमेश्वर पिता यीशु के नाम से। जितने भी तेरे सेवक गण हैं प्रभु जो आपकी सेवा करते हैं परमेश्वर पिता, उन्हें हिम्मत की आत्मा दे, सामर्थ्य की आत्मा दे, और परमेश्वर हर परिस्थिति में पिता तेरे वचन को लेकर खड़े रहे प्रभु। उन्हें सामर्थ्य दे प्रभु, उन्हें सामर्थ्य दे प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, धन्यवाद स्वामी आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। मेरे प्रियो आप जितने भी प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु परमेश्वर आपके संकटों को खत्म करेगा, आपकी मुसीबतों में वो आपकी सुनेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप उसके ऊपर भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए और प्रभु में आगे बढ़िए। पिता परमेश्वर हमारे किसान भाई बहनों को आशीषित कीजिए, हमारे किसान भाई बहनों की सारी चिंताओं को दूर कीजिए प्रभु। आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर उनकी अच्छी फसल तैयार होने पाए, ताकि उनकी गरीबी खत्म होने पाए, ताकि उनकी चिंताएं खत्म होने पाए परमेश्वर पिता। तो आशीषित कीजिए, उनकी फसलों में कोई कीड़ा काय लगने ना पाए प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, धन्यवाद स्वामी आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। जितने भी आज बीमारी के हालत में, तकलीफ में है, संकट में है प्रभु यीशु के नाम से, तू उन्हें छुड़ा ले, बचा ले। इस रात्रि को तेरे हाथों में सौंप देते प्रभु, स्वप्न और दर्शन से बातचीत कर, मीठी नींद दे, सुबह की रोशनी दे, ताकि हम उठकर फिर से आपकी महिमा और आपके नाम की स्तुति करने पाए। हमारे जीवन दे, प्राण आत्मा को हम तेरे ही हाथों में सौंपते, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और अब्दी नाम से मांगते हैं,
आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु यहोवा कहते हैं संकट के दिन तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनकर मैं तुझे उत्तर दूंगा। और प्रभु यहोवा का वचन भी कहता है संकट के दिन यहोवा तेरी सुन लेगा। प्रज लॉर्ड और याकूब का परमेश्वर तुझे ऊंचे स्थान पर रखेगा। इसलिए प्रभु में बने रहे, प्रभु पर विश्वास कीजिए। सबको जय मसीह की। प्रज लॉर्ड।